11:08 हो गया है टाइम। नमस्कार, आदाब, सुस्वागत है कोलकाता। वादा किया था, लीजिए भाई आ गया, लेकर आप सभी के लिए 3 घंटों की फुल टू मस्ती, यानी कि फ्रेंड्स संडे फंडे का पहला घंटा जो है आप सभी के लिए अभी अभी हो गया है चालू। और आने वाले 3 घंटे हम फुल टू मस्ती आप सभी के साथ करने वाले हैं। लेकिन आज शो की शुरुआत में आप सभी के लिए एक फाड़ू सा एक सरप्राइज है। जी हाँ, कई दिनों से मैं बातें कर रहा था और इस वक्त हमारे साथ नन अदर देन सालसा डांसर। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई डांसर नहीं होगा, एक जोड़ी है जिसे हम सुमंत और सोनाली के जोड़ी के नाम से जानते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट 4 के बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, विनर भी निकले, झलक दिखला था 6 में नजर आए, बहुत अच्छा वहां पे भी वे पार्टिसिपेट उन्होंने किया। और बैड सालसा के बहुत ही एक्टिव मेंबर और बहुत ही अच्छे टैलेंटेड सालसा डांसर सुमंत हमारे साथ इस वक्त है फ्रेंड्स एफएम के स्टूडियो में। सुमन, क्या होना चाहिए, कैसे हो आप? सुपर। बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। कल बहुत ही एक फाड़ू सा एक परफॉर्मेंस आपका मैंने एंजॉय किया था जेडब्ल्यू मैरियट में, इसीलिए मैंने कहा कि सुमंत को आज हमारे स्टूडियो में आना ही होगा। वेल, इस वक्त संडे मॉर्निंग आपको कहीं पे 40 लाख लोग सुन रहे हैं और हमारे 91.9 फ्रेंड्स एफएम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे उन सभी से? बस इतना कहना चाहूंगा कि हार्डवर्क करते रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए और जीते रहिए। क्या बात है, जीते रहिए, ये साधु भावा टाइप कुछ सुमंत ने कह दिया। खुद सिर्फ 18 साल के हैं, इतना कुछ इनको मिल चुका है, इतना कुछ अचीवमेंट इन्होंने कर लिया है, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। ओके, बहुत सारी बातें आज सुमंत के साथ हमें करनी है। सिर्फ 18 साल के हो, इतना कुछ आपने कर लिया है, ये शुरुआत कैसे हुई सुमंत, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। शुरुआत ये बैड सालसा एकेडमी से हुई है, हमारे सर श्री विवास चौधरी जी के यहाँ से। जी, उन्होंने हमारी ज़िंदगी में कई बड़ी मोड़ लेके आए चुके हैं और काफ़ी सारी ज़िंदगियाँ वो चेंज करते रहते हैं। लाइक ही इज़ अ लाइक मॉडल फॉर एवरी वन हुएवर फॉलोज हिम, एंड वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और उन्हीं से हम लोगों को इतना इंस्पिरेशन मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। जैसे कि मैं कह रहा था कि हम लोग लाइक मैं भुवनेश्वर से हूँ, सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। मैं डांस क्लास आता था कोलकाता में सर के यहाँ सीखने के लिए, और सालसा का लाइक मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होता है, कैसे करते हैं, बस वो सिखाते गए, हम सीखते गए और आज लाइफ मेरे को यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल, आप दोनों को यानी कि सुमंत और सोनाली को सालसा किंग एंड क्वीन कहा जाता है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जब सोनाली को उठाते हो, फेंकते हो, इधर उधर करते हो, कमाल का लगता है वो, कैसे कर लेते हैं, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी इसके लिए? हम लोग डेली 8 to 10 hours प्रैक्टिस करते हैं आज भी, और ये प्रैक्टिस और ये मेहनत ही है जो आप स्टेज पे हम लोगों को देखते हैं। जब हम लोग जब भी परफॉर्म करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, तो आप लोगों की आशीर्वाद है और हमारे सर का जो कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल हमारे जो कंधे पे उनका हाथ है, तो यही सब मिलकर वो परफॉर्मेंस बनता है। बिल्कुल, बैड सालसा यानी कि सुमंत हमारे साथ इस वक्त है, सालसा किंग इन्हें कहा जाता है, इंडियाज गॉट टैलेंट में नजर आए, झलक दिखला जा में नजर आए, अब सालसा चैंपियनशिप होने वाली है, वर्ल्ड सालसा चैंपियनशिप के लिए वे तैयारी कर रहे हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे और भी काफी कुछ उनके साथ बातें करनी है। अभी के लिए आप सभी के लिए 4 गाने बज रहे हैं, इन चारों गानों को एंजॉय कीजिए, ढेर सारी बातें आज होने वाली है। अगर आप अच्छे डांसर बनना चाहते हो तो आपको आने वाला 1 घंटा अनिमेश और सुमंत के साथ रहना ही पड़ेगा। घड़ी भी ला लो, 11:23 हो गया है टाइम। अक्कड़ बक्कड़ मैं और सुमंत भी इस वक्त कर रहे हैं स्टूडियो के अंदर, अब करना ही होगा, इतना कुछ इनके पास है बताने के लिए और मुझे पूछने के लिए कि क्या कहूँ यार। सालसा डांसर सुमंत हमारे साथ इस वक्त है, बैड डांसर के रूप में, बैड सालसा के रूप में इनको और सोनाली को हम जानते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट 4 में भी नजर आए, विनर निकल कर आए, झलक दिखला जा 6 में नजर आए, बहुत ही टैलेंटेड बंदा है और इनसे काफी कुछ मुझे अनिमेश को जानने को मिल रहा है। सुमंत, जब आपके साथ बातें हुई थी ऑफ एयर भी आपने बताया, अपने अपने घर के बारे में कुछ बताइए, काफी कुछ जानने को मिला, आपके भाई जो है वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं, कुछ बताते जाओ प्लीज। मेरे घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा एक छोटा भाई है, सो वी आर अ स्मॉल हैप्पी फैमिली। एंड मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, वो अब तक ओडिशा टीम के लिए स्टेट्स खेल चुका है। क्या बात है यार, या सो ही इज डूइंग वेल इन इट, और अभी उसका 10th भी खत्म हो चुका है। मतलब एक भाई सी में है, एक भाई डी में है, सब चल रहा है, एक क्रिकेटर है, एक डांसर है। क्या बात है, क्या बात है। ओके, पेरेंट्स के बारे में बताइए, अपने अपने मम्मी पापा के बारे में बताइए। पापा आपके रेलवे में है, राइट? यस। ओके, मेरे पापा रेलवे में, हमेशा आप पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया जो आप बता रहे थे, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है मेरे लिए और मेरे रोल मॉडल्स हैं मेरे पापा, मेरी मम्मी,
मेरे पापा लाइक ही इज वेरी डिसिप्लिन काइंड ऑफ पर्सन. ओके. वो टाइम एकदम मेंटेन करके चलते हैं. ऑफिस आवर्स में ऑफिस, देन ही कम्स बैक होम एंड ही इज ऑल अ फैमिली गाय. एंड बचपन से ही लाइक बहुत सपोर्टिव रहे हैं. कुछ मेरी गलतियां जो रहती हैं वो सुधारने में वो बहुत मेरे को हेल्प करते हैं. एंड इट्स वेरी ही इज लाइक अ वेरी काइंड पर्सन टू मी. एंड वो लाइक रात भर जग जग के मेरे प्रोजेक्ट्स करते थे. देन वैसे ए प्लस मेरे को मिलता था लेकिन वो पापा के लिए था. देन मेरी मम्मी वो मेरी होमवर्क्स करती थी. और लाइक मैं बचपन से स्कूल से कुछ करता नहीं हूँ. लाइक वही बहुत सपोर्टिंग रहे हैं और मेरी मम्मी बहुत ख्याल रखती है. सेम गोज टू माय सर एंड माय मैम. जैसे कि मैं मेरे घर से बाहर रहता हूँ, घर में लाइक मेरा घर भुवनेश्वर में एंड आई स्टे इन मुंबई लोनावला. सो मेरी जो मैम है वो इतनी केयरिंग है, इतनी सपोर्टिव है हमारे लिए. वहाँ पे जितने भी बच्चे रहते हैं या बड़े रहते हैं सबकी ख्याल रखती है वो. और ईच एंड एवरी टाइम हमको कोई तकलीफ हो, हमारी कोई प्रॉब्लम हो, हम जाके उनसे शेयर करते हैं तो ऐसे नहीं लगता कि मैम है, ऐसी लगती है हमारी माँ है वो जी. एंड माय सर ही इज लाइक इमोशंस दिखाने में वो इतने लाइक वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. उनको तो टफ रहना पड़ता है. हाँ, लाइक उनको रहना पड़ता है. वो उनका ये है तो वो टफ रहते हैं लेकिन उनकी नरमियत हम लोग जानते हैं अंदर से. वो फील होया जाता है, वो दिखाने से भी नहीं आएगी. क्या बात है सुमन. जब सालसा की बातें हुई तो मुझे बताइए कि सोनाली के साथ हमने देखा इतने इतने डेंजरस एक्ट्स आप लोग करते आए हैं, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो कभी डर नहीं लगा? कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि नहीं इसको मैं उठा रहा हूँ, इसको मैं घुमा रहा हूँ, इसको सालसा में जो जो एक्ट्स जो जो किए जाते हैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो कभी किसी तरह का डर नहीं लगा? डर इन द सेंस लाइक पहले, क्योंकि देखने वालों को तो काफी लगता है यार कैसे कर ले रहा है सुमन. लाइक डर इन द सेंस कि पहले जब हम लोग करते थे ये लिफ्ट कुछ मतलब वो होता है ना कि वो पॉट रहता है जो बनता है जब जी. तो उसको जिस आकार में आप बना वो उसी आकार में बन. क्या बात है, बिल्कुल. तो वही चीज था कि हम लोग जब सीख रहे थे ये चीज कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग क्या कर रहे हैं. तो सर जो सिखाते थे, उनके जो सर के असिस्टेंट थे, वो जो हमारे भैया वहाँ पे रहते थे जी. वो जो सिखाते थे हम लोग बस वो सीखते गए. तो जब तक समझने की पीरियड आई हम लोग सब सीख चुके थे. क्या बात. तो उसको अभी इतना डर वो इतना पता नहीं चला क्योंकि लाइक जब भी हम लोग लिफ्ट्स करते हैं, ट्रिक्स करते हैं, हमारे आसपास सब रेडी रहते हैं कि अगर कहीं कहीं डिसबैलेंस हो तो दे टेक केयर ऑफ दैट. सो दैट्स नॉट एन इश्यू फॉर. क्या बात है. देखिए भाई, अब बात तो ऐसी हो रही है कि सुमन जो है वो पूरी तरह से इतने ज्यादा इनकी जो पॉट है जैसे इन्होंने कहा कि बन चुकी है, इतने टैलेंटेड हो गए हैं सुमन और सोनाली की अब क्या कहूँ. सेलिब्रिटीज एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज से इनको अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले हैं, वो सब कुछ जानेंगे. कौन सी मूवी, कैसी मूवीज देखना सुमन को पसंद है, और पढ़ाई की भी बातें थोड़ी सी होनी चाहिए सुमन, राइट? यस. मैं ऑफ एयर बातें कर रहा था, भाई पढ़ाई कब करते हो, इतने सारे परफॉर्मेंस, इतने वर्ल्ड टूर कर रहे हो, समय कब मिलता है, सब कुछ हम जानेंगे बस थोड़ी देर में. आप कहीं मजा, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आप सभी के लिए आने वाले गाने सुनते रहो, साथ रहो. ओ जी एक बार घड़ी मिला लो यार, 11:36 हो गया है. टाइम शो का नाम है फ्रेंड्स संडे फंडे, मेरा नाम है अनिमेश. पहला घंटा जो है वो चल रहा है और बातें हो रही है बैड सालसा के साथ. वन ऑफ द मेंबर ऑफ बैड सालसा यानी कि हमारे साथ इस वक्त सुमंत हैं. सोनाली आज नहीं आ पाए क्योंकि वे कोलकाता के बाहर चली गई हैं, तो आज सुमंत को मैंने पकड़ा. और विवाजा आई लव यू. क्या यार, क्या बंदे बनाए हैं आपने, सही में यार इतने टैलेंटेड आपके स्टूडेंट्स हैं, हैट्स ऑफ यार. सही में मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम आप भी हमारे स्टूडियो में आए, ढेर सारी बातें हम बैठ के करेंगे. सुमन जब आपके साथ बातें हो रही है तो सोनाली की बातें होनी चाहिए. जैसे कि मैं कह रहा था कि आप दोनों हैं तो बैड सालसा है, कुछ कहो उनके बारे में. जब उनके साथ आप परफॉर्म करते हो, उनके साथ जब लिफ्ट करते हो, एक्ट करते हो, कैसा लगता है, कुछ बताओ. सोनाली सबसे पहला ये बात बोलना चाहूंगा कि ब्रेव है जी, तो उसमें लाइक 60% सपोर्ट मेरे को मिल जा रहा है मेरे लिफ्ट्स के लिए. तो वो भी लाइक नॉटी है, थोड़ी बदमाशियाँ करती रहती है और इंस्पायरिंग है एक तरीके से क्योंकि इतनी छोटी लड़की है और इतने लाइक लिफ्ट्स एंड ट्रिप्स करने में वो डरती नहीं है. तो स्टेप्स, हमारे कोऑर्डिनेशन और हमारा केमिस्ट्री जो भी है लाइक इट्स वेरी परफेक्ट. सो दैट्स व्हाई हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं. क्या बात है यार, हम चाहेंगे कि इसी तरह के परफॉर्मेंस आप करते रहे. थोड़ी देर में हम आपके वर्ल्ड सालसा चैंपियनशिप की जो तैयारी आप कर रहे हैं उसके बारे में भी बातें करेंगे. लेकिन मुझे ये बताओ,
इतने सारे आप लोगों ने रियलिटी शोज कर लिए हैं, इतने सारे एक्टर्स के साथ, सेलेब्स के साथ आपकी मुलाकात हुई, बहुत तरह के कमेंट्स आपको दिए गए, सब ने कहा कि बहुत अच्छे हैं आप लोग, वर्ल्ड बेस्ट हैं, किसी ने कुछ कहा, कोई यादें अगर हमारे साथ शेयर करें, किसके साथ मिलकर सबसे अच्छा लगा? मेरा फेवरेट एक्चुअली शाहरुख खान जी रहे हैं बचपन से, तो उनसे जब मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट लाइक फाइनल खत्म हुआ, ग्रैंड फिनाले का जो एपिसोड था, जब हमको पता चला कि SRK आ रहे हैं, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, और उनके हाथों से ही मुझे ट्रॉफी मिला, तो ये मतलब एक अचीवमेंट था मेरे लाइफ का, तो बहुत अच्छा लगा था ये चीज। और उनकी जो सबसे बड़ी मतलब एक जो याद है मेरे को वो था कि आफ्टर इंडियाज गॉट टैलेंट मैं उनको झलक दिखला जा, मैं वापस उनसे मुलाकात हुई थी हमारी, तो वहाँ पे द फर्स्ट थिंग ही आस्क मी लाइक, मैं से गया था उनके पास वो जजेस टेबल में, एंड ही वाज होल्डिंग माय हैंड एंड ही सेड वेयर इज योर सर, सो ही वाज आस्किंग फॉर आवर सर। तो उनको इतना याद रहता है कि लाइक ही नोज हु द पर्सन टू रेस्पेक्ट, तो हमारे जो गुरु हैं, हमारी जो जान है, तो वो चीज याद रखें, तो वो बहुत अच्छा लगा था कि व्हाई ही इज अ सुपरस्टार वी गेट टू नो नाउ। क्या बात है, सही में SRK ही हैं। वैसे मुझे बताओ, SRK की जब बातें हो रही है, बॉलीवुड की बातें हो रही है, तो मुझे बताओ मूवीज देखना आपको पसंद है? जैसे कि ऑफ एयर आपने बताया मूवीज बहुत देखते हैं। बहुत देखता हूं। कैसी मूवीज देख रहे हो आजकल? आजकल लाइक क्रिस्टोफर नोलन जी के और अल्फ्रेड हिचकॉक। यार भारत से निकल के बाहर की तरफ जा रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, लाइक इंडियन मूवीज भी मेरे को बहुत पसंद है। संजय लीला भंसाली जी, यशराज बैनर्स में जो मूवीज बनते हैं वो ज्यादा पसंद है। अनुराग कश्यप जी के मूवीज बहुत पसंद है, लाइक ही मेक्स द परफेक्ट मूवी, एंड जैसे कि ब्रदर्स मूवी, देन ऐसे बहुत सारे आजकल मूवीज बन रहे हैं जो स्टोरी बेस्ड हैं, लाइक ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड आ रहा है बॉलीवुड में, बिल्कुल विद द इमोशन बॉलीवुड हैज, सो द मिक्सचर इज सुपर्ब, लाइक अभी मजा आ रहा है मूवीज देखने में। क्या बात है। फेवरेट हीरोइन कौन है आपकी? फेवरेट हीरोइन ऑल टाइम लाइक श्रीदेवी। श्रीदेवी जी है, बहुत अच्छी डांसर भी है वो, हम सब जानते हैं। ओके, फेवरेट एक्टर SRK आपने कह दिया। SRK, देन जॉनी डेप, विल स्मिथ। कोई ऐसा डांसर जो बॉलीवुड का या टॉलीवुड का या फिर हॉलीवुड का जो आप? प्रभुदेवा जी मेरे को बचपन से बहुत लाइक इंस्पायर करते रहे हैं, उनके जो वीडियोस थे जैसे कि मुकाबला, ये मैं टीवी मतलब DVD में चलाता था जी, एंड मेरी मम्मी बैठती थी साथ में, वो एक AB रिपीट का एक मोड रहता था जी, अभी है या नहीं मेरे को नहीं पता तो उसमें कैसा रहता है, एक परफेक्ट एक टाइम टू टाइम वो गैप रहता है, तो वो रिपीट होता रहता जी। है, तो वो रिपीट वो स्टेप में बार बार देखता था, एंड आई यूज टू प्रैक्टिस दैट, और मेरी मम्मी हेल्प करती थी मुझे, यानी कि बचपन से ये कीड़ा आपको काट चुका था ये डांसर वाला। ओके, आज एक बहुत अच्छे डांसर रेमो डिसूजा का भी बर्थडे है, उनको कुछ कहना चाहोगे? वो रेमो जी, रेमो सर, लाइक ही इज वेरी सपोर्टिव, एंड विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड वो लाइक हमारे झलक दिखला जा का जो भी जर्नी था वो उनका बहुत ही वाइटल रोल था, वो बहुत सपोर्टिंग थे हमारे लिए, वो बहुत पसंद करते थे हम लोगों को, मेरे सर को, और रेगुलर बातें होती थी उनसे, तो वी लव यू जस्ट। क्या बात है, सुमंथ की ओर से, फ्रेंड्स एफएम की पूरी टीम की ओर से, RJ अनिमेश की ओर से, रेमो डिसूजा को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे सर जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है सुमंत, एक काम करते हैं, एक और गाना सुन लेते हैं हम, इस गाने के बाद और भी ढेर सारी बातें आपके साथ हमें करनी है। एक डांस स्टेप मुझे भी सिखा दो यार, जरूरी है। हाँ, थोड़ी देर में काम करेंगे, लाइव फेसबुक पर आप मुझे एक डांस स्टेप सिखाओगे, राइट? पक्का? पक्का, मदर्स प्रॉमिस। अरे क्या बात है यार, एक काम करते गाना सुन लेते हैं एक दफा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सुनते रहो साथ रहो। क्या बात है 91.9 फ्रेंड्स FM, शो का नाम है फ्रेंड्स संडे फंडे, मेरा नाम है अनिमेश, अर्जुन कानूनगो की आवाज़ थी एक दफ़ा, और ये पहली दफ़ा है जब सुमंत मेरे स्टूडियो में आए हैं, फ्रेंड्स FM के स्टूडियो में आए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सालसा डांसर, बैड सालसा के नाम से बहुत फेमस है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट 4 के विनर रह चुके हैं ये और सोनाली, और झलक दिखला जा 6 में भी नजर आए, और सबके दिल को इन्होंने जीता, इन दोनों ने जीता। सुमंत, जब आपके साथ बातें हो रही है, पढ़ाई की थोड़ी सी बातें होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत कम समय में ही आपने इतना कुछ मुकाम पा लिया है, आपने आप वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं, प्राइवेट आप लोगों के परफॉर्मेंस होते हैं, आप लोग रियलिटी शोज कर रहे हैं, तो पढ़ाई के समय कब मिलता है आपको, पढ़ाई कितनी देर करते हैं, और अपने बारे में बताइए। क्लास 10 में बहुत अच्छे आप स्टूडेंट थे मुझे आपने बताया था, अभी आप क्लास 12 में, राइट? या अभी समय मिलता है पढ़ाई करने का?
समय निकालना पड़ता है लाइक शोज रिहर्सल के अलावा हम लोग पढ़ाई करने का भी हम लोगों का एक शेड्यूल में वो टाइम रहता है 2 आवर्स का ओके तो हम लोग उसी टाइम पे पढ़ते हैं एंड देन स्कूलिंग जो है केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 भुवनेश्वर से हूँ मैं क्या तो स्कूल्स के बहुत सारे यादें हैं मेरे जो फ्रेंड्स हैं मेरे अभी मेरे जो फ्रेंड लिस्ट में जितने भी फ्रेंड्स हैं लाइक सबके साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा रहा है थोड़ा एग्रेसिव टाइप का फ्रेंड था मैं और ओके ऐसे थे आप हाँ क्या बोल रहे हो यार और अभी मैं मेरे दोस्तों को कॉल करता हूँ तो दे वेर लाइक यार क्या कर रहे हो मैं लाइफ लेसन देने लग जाता हूँ तू ये कर तू वो मत कर तू ये कर सो लोग अरे यार तेरे को मैं बर्थडे विश करने फोन किया था तू क्या कर रहे तूने तो पूरा लेक्चर दे दिया तो लेकिन मैं इसे लाइक मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ क्योंकि मेरे चारों और ऐसे लोग रहते हैं मेरे भैया हैं आकाश भैया जो इंडिया स्कॉट टैलेंट सीजन 3 में थे जी वो भी हमारे साथ रहते हैं और वो भी बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए उनके जो वो जैसे डांस करते हैं उनका जो बिहेवियर है सबसे मैं इंस्पायर रहता हूँ तो मेरे जो सर है मेरे मैम है तो मैं खुद इतना इंस्पायर्ड रहता हूँ ना तो लोगों के साथ जब भी मैं बात करता हूँ तो ये बातें मेरे निकल आती हैं बाहर की और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो लाइफ से भी मैंने सीखी है जैसे कि लाइक अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो यू हैव टू हिट हार्ड तो टू बिकम द डायमंड दैट यू वॉन्ट टू बी सो जैसे कि कोयले से जब वो हीरा बनता है तो द प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट लेकिन हीरा बनता है तो सुमन क्या कर रहे हो सुमन क्या कर रहे हो सुमन ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें एक बार फिर से कर दी यार इससे मैं सवाल पूछूं कमाल कर दिया कमाल का बंदा है बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है जोक्स अपार्ट बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की है वैसे मुझे बैड के बारे में बताइए विवास डांस एकेडमी ऑफ डांस जो है आपकी जिंदगी बदल के रख दी हम कह सकते हैं कुछ कहना चाहेंगे जरूर कहना चाहूंगा लाइक ये जो एकेडमी था डिकेड एगो एकेडमी लाइक जब शुरू हुआ था ये कुछ 10 to 15 स्टूडेंट्स थे आज 500 to 1000 स्टूडेंट्स हैं तो मैसिव इंक्रीज है और मेरी सर की मेहनत है 100% उनकी मेहनत है उनका स्टाफ उनके असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स जितना भी पूरा टीम है सब मिलके ये बनाया है और खास बात ये है कि हम लोग जो ट्रीटमेंट रहता है एकदम होमली ट्रीटमेंट रहता है और हमारे अलग अलग सेक्शंस रहते हैं तो एक वर्कशॉप टाइप रहता है देन वी हैव गुरुकुल इन लोनावला ओके तो हमारा जो सर का गुरुकुल है वहाँ पे कुछ चुने हुए स्टूडेंट्स ही जा पाते हैं दे हैव टू मेक इट टू दैट तो दे हैव टू प्रूव इट इन द डांस क्लास फर्स्ट देन दे आर फिर उनको मौका मिलेगा गुरुकुल के लिए क्या तो गुरुकुल में एकदम स्पेशल इक्विप्ड रहता है पूरा हमारे पास ल्यूपिड पोल है देन वी हैव नंबर ऑफ एरियल एक्ट व्हाट वी से प्रॉप्स सो हर तरह की ट्रेनिंग होती है हमारी ट्रैम्पोलिन ट्रेनिंग है कंटेम्प से लेके बैले से लेके हिप हॉप से लेके सालसा से लेके हर चीज इंडियन क्लासिकल हमारे सर हर चीज का ट्रेनिंग देते हैं विवास सर के पास इतने सारे आइडियाज कहाँ से आते हैं कि सुमंत सोनाली इस बार ऐसा करना चाहिए इस बार ये करना चाहिए इस बार कुछ नया करना चाहिए वो कहाँ से आइडियाज लाते हैं मैं चाहता था कि वो भी आते स्टूडियो में तो और भी उनसे काफी कुछ जानने को मिलता लेकिन आप कुछ बताना चाहें अगर मैं जरूर बताना चाहूंगा लाइक मेरे जो सर हैं वो रिसर्च करते रहते हैं ईच एंड एवरी मोमेंट कि अभी ये कर लिया है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है तो वो लाइक आप अगर उनसे मिले तो आपको वो समझ आ जाएगा विद इन 2 मिनट्स कि वो कैसे हैं जी दिन में 24 घंटे हैं 22 आवर्स ही गिव्स टू अस 2 आवर्स हो सके तो पर्सनल लाइफ क्या बात तो वो वैसे हैं लाइक करियर और ये सब चीज़ों में वो बहुत ही दिलचस्पी है उनकी हर टाइम रिसर्च करते रहते हैं हर नया चीज़ को वो ट्राई करते रहते हैं हर किसी पर ट्राई करते हैं ऐसे नहीं कि सालसा है तो सिर्फ सुमन सोनाली करेंगे वैसे नहीं है लाइक ही गिव्स चांस टू एवरीबॉडी तो उससे क्या है किसी का हिडन टैलेंट आ जाता है बाहर बिल्कुल बिल्कुल तो वो चीज़ है उनमें लो इंस्पायरिंग है तो ये चीज़ हम लोग को सीखने को मिला है कि किसी को नो मैटर व्हाट यू आर आप कुछ भी हो सकते हैं लाइक इफ यू आर डूइंग अ थिंग बी द बेस्ट इफ यू आर अ टॉयलेट क्लीनर देन डू इट द बेस्ट क्या बात है यार चलो यार बाहर में कॉफी पिलाता हूँ यार एक बार फिर से हम कॉफी पियेंगे वैसे बैड ने सही में आप लोगों को काफी कुछ सिखाया है हम चाहेंगे कि इसी तरह आप आने वाले दिनों में भी हम सबको एंटरटेन करते रहे सालसा वर्ल्ड सालसा चैंपियनशिप जो हो रही है इसकी तैयारी कैसे चल रही है कुछ बताते जाओ वर्ल्ड सालसा चैंपियनशिप के लिए हम लोग काफी सालों से ट्रेन हो रहे हैं
अभी हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड है वापस वो एक्सटेंड करेंगे हम लोग, और इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे अप टू कि जब तक हम लोग डांस कर सकें हम लोग सालसा करते रहेंगे, और हमारी जो फैंस है, हमारे ऑडियंस है, जो लोग हमें देखना पसंद करते हैं, हम लोग उनको खुश करते रहेंगे। क्या बात है। अभी आप 18 साल के हो, आने वाले 10-15 साल के बाद अपने आप को आप कहाँ देखते हैं, क्या चाहेंगे, क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, क्या सोचा है? आई वांट टू बी द बेस्ट परफॉर्मर इन द होल वर्ल्ड, जो मेरा सर का भी सपना है, और वो काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोगों से, और मेरी बस यही दुआ रहती है सुबह उठ के कि मैं अपने सर को खुश देखूं, मेरी मम्मी पापा को खुश देखूं, मेरे भैया, मेरे माँ, मेरे पापा, मेरे सर, मेरे मैम, जितने भी मेरे चाहने वाले, मेरे वेल विशर्स, मेरे फ्रेंड्स, सबको वो चीज़ दे सकूं जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, और सबको इंस्पायर करता रहूं कि मेरे को देख के और 10 लोग इस प्रोफेशन में आए और ये चीज़ कभी एंड ना हो। क्या बात है, हम भी चाहेंगे कि आप इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहे। सुमन, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप आएँ, लेकिन इस बार जोड़ी में आए, यानी कि सोनाली को भी हम चाहेंगे कि वो आए, और हमारे गुरु जी यानी कि विवास दा भी आए स्टूडियो में बैट लेकर और ज़्यादा हम बातें करके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एफएम के स्टूडियो में आने के लिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुमन हमारे साथ इस वक्त है सालसा डांसर यानी कि बैट सालसा इंडियाज़ गॉट टैलेंट 4K विनर, और झलक दिखला जा 6 में नज़र आए, और उनके साथ हमारी बातें बिल्कुल लाइव हुई ऑन 91.9 फ्रेंड्स एफएम। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाओ। फ्रेंड्स एफएम 91.9।